उधर बहराइच से गोंडा आ रही बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में करीब एक दर्जन यात्री घायल हो गए हैं। वहीं मौके पर पहुंचे एआरएम व कई थानों की पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि यह घटना गोंडा बहराइच हाईवे पर खिरोरा मोहन के पास हुई है। इस बस में करीब 36 यात्री यात्रा कर रहे थे। उधर परिवहन विभाग के अधिकारियों ने दूसरी बस की व्यवस्था कर यात्रियों को उनके मुकाम तक पहुंचाया। एआरएम वीरेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि स्टेयरिंग कंट्रोल ना होने की वजह और डिफर ना होने की वजह से बस पलट गई। की अनुबंधित बस है जो बहराइच से गोंडा आ रही थी, ये खिरौरा मोहन के पास में बाएं साइड पलट गई है। इसमें स्टेयरिंग कंट्रोल नहीं हो पाया, स्टेयरिंग पर डिफेक्ट आ गया है, इसकी वजह पलट गई। आज दिनांक 20 फरवरी 2020 को समय लगभग 11 बजे गोंडा डिपो से अनुबंधित बस जिसका नंबर है UP 43T 7491 जो बहराइच से चलकर गोंडा डिपो आ रही थी, वो कोतवाली देहात क्षेत्र में ग्राम खिरौरा मोहन के पास अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें कुछ लोग घायल हुए हैं जिन्हें तत्काल जिला अस्पताल में एडमिट